इतिहास में सीरियल किलिंग की घटनाएं काफ़ी पुरानी हैं। सीरियल किलर ठग बहराम से लेकर निठारी के नर पिशाच सुरेंद्र कोहली तक अनेक नाम हमारे सामने हैं। ट्रुथ सागा ऐसी ही घटनाओं पर एक सीरीज पेश कर रहा है। इस कड़ी में आज पेश है कुख्यात सीरियल किलर स्टोन मैन, जिसने करीब 12 से 26 लोगों की हत्या की, जिसकी असली पहचान आज भी अज्ञात बनी। द स्टोन मैन कलकत्ता के लोकप्रिय अंग्रेजी भाषा के प्रिंट मीडिया द्वारा एक अज्ञात सीरियल किलर को दिया गया नाम है, जिसने 1989 में कलकत्ता में कम से कम 12 से 26 सोए हुए बेघर लोगों की हत्या कर दी थी। 1985 से 1988 तक बॉम्बे में इसी तरह की हत्याओं की एक श्रृंखला चली। यह अनुमान लगाया गया कि यह एक व्यक्ति का काम था। स्टोन मैन को 6 महीने में 13 हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया था, लेकिन यह कभी स्थापित नहीं किया गया था कि अपराध एक व्यक्ति या उससे ज़्यादा व्यक्तियों द्वारा किए गए थे। बॉम्बे और कोलकाता पुलिस भी यह पता लगाने में विफल रही थी कि क्या कोई ये अपराध नकलची हत्या के रूप में किया जा रहा था। आज तक किसी पर भी इस अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है। सभी 13 मामले अनसुलझे हैं। इस सीरियल किलर का पहला संकेत बॉम्बे से आया था, जो भारत में बेघर कूड़ा बिनने वाले और भिखारियों को निशाना बना रहा था। 1985 से शुरू हुआ और 2 साल से अधिक समय तक चलने के बाद शहर में 12 हत्याओं की एक श्रृंखला को अंजाम दिया गया। अपराधी या अपराधियों के ऑपरेशन का तरीका सरल था। पहले वे शिकार को एक सुनसान इलाके में अकेला सोते हुए ढूंढते, फिर उनका सिर भारी वजन के पत्थर से कुचल देते। ज़्यादातर मामलों में पीड़ितों की पहचान का पता नहीं लगाया जा सका, क्योंकि वो अकेले सोए थे और उनके कोई रिश्तेदार या सहयोगी नहीं थे जो उन्हें पहचान सके। इससे जटिल तथ्य यह था कि पीड़ित बहुत ही सरल साधनों के लोग थे और अपराध कोई हाई प्रोफाइल नहीं था। 6ठी हत्या के बाद बॉम्बे पुलिस ने अपराधों में एक पैटर्न देखना शुरू किया। तभी एक बेघर वेटर स्टोन मैन के हमले में बच गया और पुलिस को इसकी सूचना देने के लिए भागने में सफल रहा। हालांकि सायन के मंद रोशनी वाले क्षेत्र में जहां वह सो रहा था, वह अपने हमलावर पर एक अच्छी नज़र नहीं डाल पाया था। इसके तुरंत बाद 1987 में माटुंगा के निकटवर्ती उपनगर में एक कचरा बिनने वाले की काट कर हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस और मीडिया को स्टोन मैन पर शक था, फिर भी घटनाओं को जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं मिला। 1989 के मध्य में हत्याएं अचानक बंद हो गईं और मामला अनसुलझा ही रह गया। बॉम्बे की हत्याओं को कलकत्ता के स्टोन मैन की हत्याओं से जोड़ा गया या नहीं, इसकी कभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई। हालांकि कई समानताएं मिलती हैं, उपकरण की समानता, पीड़ितों की पसंद, हमले का तरीका और हमलों के समय से पता चलता है कि हमलावर बॉम्बे एपिसोड से परिचित थे। अगर ये वही हत्यारा खुद नहीं था तो कोई उसका नकल कर रहा था। कलकत्ता में हुए पहला शिकार 1989 में सिर पे चोट लगने से मर गया। अगले 6 महीने के भीतर स्टोन मैन को जिम्मेदार ठहराए गए 12 और हत्याओं की सूचना मिली। मारे गए सभी बेघर फुटपाथ पर रहने वाले थे, जो शहर में मंद रोशनी वाले इलाके में अकेले सोते थे। अधिकांश हत्याएं हावड़ा ब्रिज से सटे मध्य कलकत्ता में हुई। चूंकि हत्यारे ने भारी पत्थर या कॉन्क्रीट की पट्टियाँ गिराकर पीड़ितों को मार डाला, इसलिए पुलिस ने माना हमलावर शायद एक लंबा अच्छी तरह से निर्मित पुरुष था। हालांकि किसी भी प्रत्यक्षदर्शी विवरण के अभाव में कोई पृष्ठ भौतिक विवरण कभी उपलब्ध नहीं। शहर के विभिन्न हिस्सों में पुलिस की तैनाती की गई और कई गिरफ्तारियां की गई। गिरफ्तारी के एक दौर के बाद, जिनमें कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था, हत्याएं रुक गईं। हालांकि सबूत की कमी का हवाला देते हुए संदिग्धों को छोड़ दिया गया। तमाम कोशिशों के बाद भी स्टोन मैन सामने नहीं आया। आज तक कोई नहीं जानता कि वह कैसा दिखता है। इतिहास में कई सीरियल किलर हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपने किए से बच निकलने में कामयाब होते हैं। स्टोन मैन उनमें से एक लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें ईमेल करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर। धन्यवाद।